नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल। सतना जिला अस्पताल के साइकिल स्टैंड में प्रशासन द्वारा प्रतिदिन लगाई जाती है आग। यहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। इसका कोई बड़ा हादसा होने पर आखिर कौन जिम्मेदार होगा? बरा कला में रोड बनवाने को लेकर लोगों द्वारा किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। लोगों को हो रही है आवागमन में परेशानी। लोगों का कहना है कि यहां के लोग प्रशासन की सुविधाओं से हैं वंचित। सरकारी सुविधाओं का यहां पे कोई महत्व नहीं। सरकारी सुविधा यहां एक भी हमको नहीं मिली, एक पैसे की। निरीक्षण करे, अगर हम गलत पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे, अगर अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो हमारे मांग के हिसाब से हमारी रोड कंप्लीट करा के सरकार। अगर जैसे आप लोग बैठे हैं जी, तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी रोड नहीं बन जाएगी तब तक, जब तक हम बैठे। आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि जब तक हमारे को यहाँ शासन रोड न देगी तब तक बैठे रहेंगे, दो दिन तीन दिन। और बैठे हैं यहाँ, कोई आया क्या? आप लोग तीन दिनों से यहाँ बैठे हैं, क्या कोई अधिकारी आया यहाँ पर? सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घर में घुसकर बंदूक के दम पर वृद्ध महिला के साथ मारपीट कर लूट की घटना को दिया गया अंजाम। खूंटी में जमीन के कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत। जवाहरनगर व पतेरी में सीवर लाइन डालकर खोदी हुई सड़क को छोड़कर ठेकेदार फरार। लोगों को हो रही है आवागमन में परेशानी। नगर निगम प्रशासन बेपरवाह। बत्तीसवें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर यातायात पुलिस ने बदखर में नेत्र परीक्षण शिविर का किया आयोजन। रामपुर बघेलान केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी किसानों से करते हैं अभद्रता। धान का पैसा लेने गए किसान को कर रहे हैं परेशान। कोटर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रामपुर बघेलान क्षेत्र में अपहरण के फरार आरोपी के हाजिर न होने पर संपत्ति की जब्त। मैहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल और पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन प्रेस करना ना भूलें।